हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ एक्सटिंक्शन इन इवोल्यूशन। ठीक है, तो जो हमने देखा एक्सटिंक्शन का रोल, व्हाट इज एक्सटिंक्शन, कि किसी भी पॉपुलेशन का या किसी भी स्पीशीज का जब उसका लास्ट इंडिविजुअल जो है उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी स्पीशीज के लास्ट इंडिविजुअल का, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है, लास्ट इंडिविजुअल का जब डेथ हो जाए, ठीक है, तो हम उस स्पीशीज को क्या कहेंगे, एक्सटिंक्ट कहेंगे। ठीक है, या एक्सटिंक्शन ऑफ दैट स्पीशीज। ठीक है, यानी किसी भी स्पीशीज के जब लास्ट इंडिविजुअल का क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो उसे हम, उस स्पीशीज को या उस ऑर्गेनिज्म को हम एक्सटिंक कहेंगे। ठीक है, तो हमने देखा अभी तक जो डिफरेंट एरास थे, ठीक है ना, जो मास एक्सटिंक्शन देखा। ठीक है, मास एक्सटिंक्शन की हमने जो 5 मास एक्सटिंक्शन विच वे कॉमनली कॉल्ड बिग 5 एक्सटिंक्शन, उसके हमने पीरियड देखा, किस पीरियड में वो हुआ है, ठीक है, और डेट देखा किस ईयर में, ठीक है ना, और उनके हिसाब से उनकी ट्रांजिशन पीरियड का नाम दिया है। ठीक है, फिर उसका, उसके बाद हमने कॉजेस देखा और इफेक्ट देखा कि इफेक्ट्स कौन कौन से स्पीशीज पे ज्यादातर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमने देखा फैमिली लेवल पे भी इफेक्ट करता है, जनरल लेवल पे भी और स्पीशीज लेवल पे भी। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें इन जो 5 हमने बिग 5 जो एक्सटिंक्शन पढ़ा, उसमें से जो विच वॉज द लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन इवेंट, वो कौन सा था? द लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन इवेंट वॉज, ठीक है ना, दैट वॉज द परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन। ठीक है ना, कौन सा था? परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन। ठीक है, एक्सटिंक्शन इवेंट, ये जो इवेंट था दैट वॉज द लार्जेस्ट इवेंट। ठीक है, लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन इवेंट, ये चीज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद अगर हम देखें आज का जो टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ एक्सटिंक्शन इन इवोल्यूशन, यानी जो इवोल्यूशन है, ठीक है, सॉरी एक्सटिंक्शन है, उसका इवोल्यूशन में क्या रोल रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जब भी जो एक्सटिंक्शन हुआ है, ठीक है, एक्सटिंक्शन एक इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है और मास लेवल पे, ठीक है, लेकिन कोई भी एक्सटिंक्शन अगर इंडिविजुअल लेवल पे हो तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ता। ठीक है ना, ठीक है, एक्सटिंक्शन जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल स्पीशीज पे, किसी स्पीशीज के इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है, और एक मास लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, या इंडिविजुअल एक्सटिंक्शन कहेंगे एक को हम, या मास एक्सटिंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो जब भी मास एक्सटिंक्शन होगा, इसका एक क्या होगा, किसी भी पॉपुलेशन पे एक मेजर इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा। ठीक है, तो जो मास एक्सटिंक्शन होता है, ठीक है, इसमें इसका जो अगर हम इवोल्यूशन पे भी देखें, ठीक है, मास एक्सटिंक्शन की वजह से इवोल्यूशन का जो रोल है, ठीक है ना, चेंज इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, चेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इवोल्यूशन पे भी, मास एक्सटिंक्शन की वजह से जो इवोल्यूशन होता है उस चीज पे भी क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना, इवोल्यूशन में भी इसका रोल होता है। ठीक है, तो मास एक्सटिंक्शन की वजह से हम इवोल्यूशन का जो रोल है, ठीक है, उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि इस मास एक्सटिंक्शन की वजह से जो इवोल्यूशन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं, किसको, इवोल्यूशन को, ठीक है, तो इस इवोल्यूशन में भी इस मास एक्सटिंक्शन की वजह से क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है ये मास एक्सटिंक्शन इवोल्यूशन में प्ले करता है। ठीक है, सो अगर हम देखें, वी कैन से दैट जो मास एक्सटिंक्शन है, ठीक है, जो हमने 5 में पढ़ा था, तो उसमें से हम 2-3 देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें जो मास एक्सटिंक्शन, ठीक है, इसका क्या रहता है,
इट हैज एन एक्सेलरेटेड, ठीक है ना, क्या रहता है, एक एक्सेलरेटेड, क्या रहता है, एक्सेलरेटेड इंपैक्ट रहता है इवोल्यूशन पे, ठीक है। तो हम यही चीज लिखेंगे किस पे, इवोल्यूशन पे, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब इसका मास एक्सटिंक्शन का क्या रहता है, दे हैव एक्सेलरेटेड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जो मास एक्सटिंक्शन हुआ था, ठीक है, जो मास एक्सटिंक्शन हमने 5 देखे, ठीक है, दैट हैव एन एक्सेलरेटेड इंपैक्ट, ठीक है। उन्होंने जो इवोल्यूशन को क्या किया है, इवोल्यूशन को क्या किया है, एक्सेलरेट किया है, ठीक है। यानी इवोल्यूशन का जो पेस था, ठीक है, उसको क्या किया है, मास एक्सटिंक्शन ने एक्सेलरेट किया है, बढ़ाया है, ठीक है ना, ऑन अर्थ पे, ठीक है ना, एक्सेलरेट द लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ, इस चीज को क्या किया है, एक्सेलरेट किया है, किसको, इवोल्यूशन की रेट को, इवोल्यूशन को, मास एक्सटिंक्शन ने इवोल्यूशन को क्या किया है, एक्सेलरेट किया हुआ है, ठीक है। और अगर हम देखें तो इस वजह से क्या होगा, जैसे हम देखते हैं जब भी कोई मास एक्सटिंक्शन होगा, ठीक है, तो यहां पे देखें, ये मान के चलो अर्थ है, ठीक है, यहां पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स है, ठीक है ना, ब्लैक कलर के, ठीक है। तो अगर हम देखें कुछ इंडिविजुअल्स है जो रेड कलर के है, ठीक है, तो जब भी एक मास एक्सटिंक्शन होगा, ठीक है, तो मास एक्सटिंक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो डोमिनेंट ग्रुप होता है, ठीक है, मान के चलिए दिस रेड वन, जो रेड वाली पॉपुलेशन है, इट इज द डोमिनेंट ग्रुप, ठीक है, ये क्या है, डोमिनेंट ग्रुप, ठीक है। तो डोमिनेंट ग्रुप जो भी होगा अर्थ पे, तो बाकी जो डिसेंडेंट्स होगा ज्यादातर किससे, इसी से ही बनेंगे, ठीक है, जो डिसेंडेंट्स होगा इस डोमिनेंट ग्रुप से ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए अब इवोल्यूशन का कैसे रोल आता है, ठीक है, तो जब भी अभी तक हम देखते आएंगे, तो मान के चलिए ये जो ये वाला स्पीशीज है, कौन सा, मान के चलिए इसको हम नाम देते हैं ए, और रेड वाले को हम नाम देते हैं बी, ठीक है। बी स्पीशीज इज द डोमिनेंट स्पीशीज ऑन द अर्थ, ठीक है, ये हमने अर्थ बनाया, ठीक है, बी स्पीशीज इज द डोमिनेंट अर्थ डोमिनेंट स्पीशीज ऑन दिस अर्थ, ठीक है। और बाकी जब ये डोमिनेंट है, ठीक है, तो बाकी के जो डिसेंडेंट्स होंगे वो ज्यादातर किससे बनेंगे, इसी डोमिनेंट ग्रुप से ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन अब इवोल्यूशन का क्या रोल रहता है, ये देखिए, इवोल्यूशन का रोल रहता है, मान के चलिए, सॉरी एक्सटिंक्शन का, मान के चलिए एन एक्सटिंक्शन, जैसे हमने देखा परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन की बात करते हैं, एक ऐसा एक्सटिंक्शन आया, कौन सा, परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन, विच वॉज द लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, मान के चलिए ये एक्सटिंक्शन हुआ, ठीक है ना, दिस एक्सटिंक्शन टुक प्लेस एंड इट वॉज ड्यू टू, और जो एक्सटिंक्शन था वो किसके वजह से था, मान के चलिए इट वॉज ड्यू टू मेनली ड्यू टू, हम अगर ये कहेंगे कि मान के चलिए ये जो एक्सटिंक्शन है किसकी वजह से, एस्टेरॉयड की वजह से, ठीक है ना, एस्टेरॉयड के फॉल करने की वजह से यहाँ पे एक्सटिंक्शन हो रहा है, ठीक है, ये एस्टेरॉयड जो है, मान के चलिए यहाँ पे एक एस्टेरॉयड है, ये फॉल किया किस पे, अर्थ पे, ठीक है। तो अगर हम देखें इस एस्टेरॉयड के फॉल करने से क्या हो रहा है, ये जो डोमिनेंट स्पीशीज है वो सारा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ये देखिए, ये जो सारा डोमिनेंट स्पीशीज है वो क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है, किसकी वजह से, ये जो एस्टेरॉयड के फॉल करने से, किसके फॉल करने से, इस एस्टेरॉयड के फॉल करने की वजह से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना, अब ये जो डोमिनेंट स्पीशीज था वो तो बिल्कुल खत्म हो गया, हुआ कि नहीं, अब ये डोमिनेंट स्पीशीज खत्म हो गया, और इसने इन स्पीशीज को, जो ब्लैक वाले स्पीशीज है, कौन से, ये जो ब्लैक वाले स्पीशीज है ना, ए स्पीशीज, बी स्पीशीज तो डोमिनेंट था, अभी एस्टेरॉयड के फॉल करने से खत्म हो गया, ठीक है ना, ये इवेंट के होने की वजह से, ठीक है। तो अब ये जो स्पीशीज है, कौन से, ये ए वाले जो स्पीशीज है, दे वर नॉट डोमिनेंट, ठीक है ना, और वो बहुत कम थे, बट ड्यू टू दिस एक्सटिंक्शन इवेंट की वजह से, ये जो ए वाले स्पीशीज है, कौन से, ए वाले जो स्पीशीज है, इनको क्या मिला, इन ए वाले स्पीशीज को दे गॉट ए चांस, ठीक है ना, चांस, ठीक है ना, इनको चांस मिला, बाकी जो इनके डिसेंडेंट्स होंगे, ठीक है, वो किन से बनेंगे, इन्हीं ए स्पीशीज से ही बनेंगे। अभी तक हमने देखते आया
जो डोमिनेंट स्पीशीज से यानी बी वाले जो रेड वाले स्पीशीज थे उन्हीं से डिसेंडेंट बनने वाले थे, क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट था। बट इस एस्टेरॉयड के क्या होने से, फॉल करने से, परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट होने की वजह से डोमिनेंट स्पीशीज क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, डोमिनेंट स्पीशीज के खत्म होने की वजह से क्या हुआ, डोमिनेंट स्पीशीज के खत्म होने की वजह से ये जो ए वाले स्पीशीज हैं दे गॉट ए चांस। ठीक है ना, इनकी जो इनकी इन ये जो ए वाले स्पीशीज है दे गॉट ए चांस, और हम ये भी कह सकते हैं कि बाकी जो ये स्पीशीज है अब दे गॉट ए चांस टू गेट फ्लरिश ऑन दिस अर्थ। ठीक है ना, अब के बार मतलब ये जो स्पीशीज है ये एसेंडेंट के तौर पे काम करेंगे और इनके इनसे जो पॉपुलेशन बनते जाएगा तो वो सारे क्या होंगे, डिसेंडेंट। ठीक है, वी कैन से दैट ए स्पीशीज दे गॉट ए चांस फॉर बिकमिंग एसेंडेंट। ठीक है ना, दे गॉट ए चांस फॉर बिकमिंग एसेंडेंट। ठीक है, तो ये होता है मास एक्सटिंक्शन का रोल किसमें, इवोल्यूशन में। ठीक है, सो हम ये कहेंगे जो चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा थ्योरी में आपको लिखवा के समझाता हूं। ठीक है, चलिए, सो वी कैन से दैट रोल ऑफ एक्सटेंशन इन इवोल्यूशन, वी कैन से दैट जो मास एक्सटेंशन है, ठीक है, मास एक्सटेंशन जो है, मास एक्सटेंशन ने क्या किया, मास एक्सटेंशन हैव समटाइम्स एक्सेलरेटेड। ठीक है ना, इट हैज या इट हैव एक्सेलरेटेड किसको, इट हैज एक्सेलरेटेड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, किसको, द इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है ना, मास एक्सटिंक्शन ने किसको एक्सेलरेट किया है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है ना, वो कैसे, जो इवोल्यूशन हो रहा था विच वॉज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है ना, अब कभी कभार जब हम मास एक्सटिंक्शन देखते हैं तो वी सी दैट दिस मास एक्सटिंक्शन इट हैज या इट हैव एक्सेलरेटेड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है ना, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, जो अर्थ पे इवोल्यूशन प्रोसेस हो रही थी, ठीक है, उसको क्या किया है, एक्सेलरेट किया है। ठीक है ना, क्यों, अब क्या रीजन है। ठीक है, एज या हम ये कह सकते हैं एज 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 द एक्सटिंक्शन इवेंट। ठीक है, अब ये जो एक्सटिंक्शन इवेंट है वो क्या करता है, वो कैसे मतलब कैसे ये एक्सेलरेट करता है। ठीक है, वो कैसे, देखिए द एक्सटिंक्शन इवेंट, ये जो एक्सटिंक्शन इवेंट है, ठीक है, जो कोई भी हो, पांचों में से कोई भी हो, ठीक है, ये एक्सटिंक्शन इवेंट क्या करता है, इट इलिमिनेट्स द किसको किसको, इट इलिमिनेट्स द डोमिनेंट एग्जिस्टिंग डोमिनेंट ग्रुप। ठीक है, एग्जिस्टिंग डोमिनेंट ग्रुप, ठीक है ना, जो डोमिनेंट था, एग्जिस्टिंग जो डोमिनेंट ग्रुप था उसको क्या करता है, इलिमिनेट कर देता है। ठीक है, निकाल देता है, ठीक है ना, उसको वैनिश कर देता है। ठीक है ना, अब खत्म करने से क्या होता है, एंड प्रोवाइडेड, और क्या करता है, एंड प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड द वैकेटेड निकेस, एंड प्रोवाइड द वैकेटेड निकेस, क्या एक न्यू जो हैबिटेट्स है, ठीक है ना, या न्यू लिविंग प्लेसेस है उनको प्रोवाइड करता है फॉर देयर ट्रांसफर टू अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फॉर देयर ट्रांसफर टू अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखेंगे अभी कौन कौन से इवेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे जो अभी के इवेंट्स है, ठीक है, तो रोल ऑफ एक्सटिंक्शन क्या है, समझे, जो रोल ऑफ एक्सटिंक्शन है ना उसमें हम देखते हैं कौन सा एक्सटिंक्शन हम ले रहे हैं, मास एक्सटिंक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी, मास एक्सटिंक्शन की। ठीक है, तो मास एक्सटिंक्शन की जब हम बात करते हैं, इट हैव एक्सेलरेटेड, ठीक है ना, द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है ना,
इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, यानी जो मास एक्सटिंक्शन है, ठीक है ना, इट हैव एक्सेलरेटेड, ठीक है ना, इट हैव एक्सेलरेटेड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जो इवोल्यूशन हो रहा था उसकी उसको क्या किया है, मास एक्सटिंक्शन ने उसको एक्सेलरेट किया है, यानी बढ़ा दिया है, ठीक है ना, उसका पेस बढ़ा दिया है. क्यों? बिकॉज एक्सटिंक्शन इवेंट जो है वो क्या करता है, एज द एक्सटिंक्शन इवेंट, ठीक है, रीजन क्या है, एज द एक्सटिंक्शन इवेंट इलिमिनेट्स, अब ये एक्सटिंक्शन इवेंट क्या करता है, इलिमिनेट्स द एग्जिस्टिंग डोमिनेंट ग्रुप, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग डोमिनेंट ग्रुप है उसको क्या कर देता है, इलिमिनेट कर देता है, ठीक है. ये देखिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इट वॉज द डोमिनेंट पॉप ग्रुप ऑन दिस अर्थ, मान के चलिए ये सर्कल मैंने अर्थ बनाया, ठीक है, इट वॉज द डोमिनेंट ग्रुप, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो बहुत कम है, ठीक है, तो ब्लू वाले जो है वो क्या है, ब्लू वाले दीज आर द डोमिनेंट ग्रुप, ठीक है. अब एक मास एक्सटिंक्शन हुआ किसी इवेंट की वजह से, ये सारा ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाती है. देखिए खत्म हुआ कि नहीं, खत्म हुआ, हुआ ना, तो क्या बोल रहे हैं, एक्सटिंक्शन इवेंट इलिमिनेट द एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन या डोमिनेंट ग्रुप था वो क्या हो गया, इलिमिनेट कर दिया उसको, ठीक है ना, फ्रॉम अर्थ, ठीक है, एंड प्रोवाइड द वेकेटेड निकेस फॉर देयर ट्रांसफर टू अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और क्या करता है, अब ये निके, अब ये हैबिटेट जो है वो क्या हो गया, ये जो है अब वैकेट हो गया, यानी नाउ द ऑर्गेनिज्म विच गॉट एक्सटिंक्ट, उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो प्लेस था, ये जो जगह था, ठीक है, जहां पे एक्सटिंक्ट हुआ वो क्या हो गया, वैकेट हो गया, ठीक है, फॉर द ट्रांसफर टू अदर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अब ये जो स्पीशीज है वो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पे माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है ना, और ये रेड वाला भी माइग्रेट किया यहाँ पे, ठीक है, तो अब ये धीरे धीरे इन ऑर्गेनिजम्स को भी चांस मिलता है फॉर बिकमिंग द एसेंडेंट, ठीक है, तो वी कैन से दैट मास एक्सटिंक्शन हैव एक्सेलरेटेड द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, क्यों, एज द एक्सटिंक्शन इवेंट इलिमिनेट्स द एग्जिस्टिंग डोमिनेंट ग्रुप, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग डोमिनेंट ग्रुप को इलिमिनेट कर देता है, एंड प्रोवाइडेड द वैकेटेड निकेस फॉर देयर ट्रांसफर टू अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अब इनके वाइप होने से, इनके इलिमिनेट होने की वजह से ये जगह खाली हुआ था, तो वहां पे ये रेड वाले क्या हो गए, उस वैकेट जो जगह पे है वहां पे आके अपना जो हैबिटेट है उसको बना लिया, ठीक है, तो वी कैन से दैट एंड प्रोवाइड द वैकेटेड निकेस फॉर देयर ट्रांसफर टू अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, हमारे पास कौन सा इवेंट है, कौन सा मास एक्सटिंक्शन है, तो हमारे पास जैसे परमियन, तो अभी हम देखेंगे जिसे हमारे पास परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट है, ठीक है, परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, और अगर हम बात करें हमारे पास क्या था, ट्रायसिक जुरासिक, ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इन जो एक्सटिंक्शन इवेंट है इनकी क्या सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है ना, क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, ठीक है, और क्रिटेशियस पैलोजीन, ठीक है ना, क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन है, क्रिटेशियस पैलियोजीन, ठीक है ना, पैलोजीन, ठीक है, जिसको हम केटी एक्सटिंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे इनका क्या एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना, तो इसको मैं रब कर देता हूं, सो फर्स्टली वी विल सी द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ कौन सा एक्सटिंक्शन इवेंट, परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन, ठीक है, परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन, सो वी विल सी द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन, ठीक है, तो परमियन ट्रायसिक, तो क्या इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है किसका, परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन का, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें
परमियन ट्रायसिक की एक्सटिंक्शन इवेंट की अगर हम बात करें तो देखिए, जब ये पहला पॉइंट ठीक है ना, जब ये परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ, इसके होने की वजह से क्या हुआ, जो उस टाइम पे ठीक है ना, कब, जो परमियन ट्रायसिक जो पीरियड था ठीक है ना, या परमियन ट्रायसिक ट्रांजिशन कहा जिस पीरियड को हमने, ठीक है, तो इस पीरियड के टाइम में क्या था, रेप्टाइल जो थे ना वो बहुत क्या थे, ज्यादा थे ठीक है ना, रेप्टाइल जो था वो क्या था, डोमिनेंट था ठीक है। अब ये रेप्टाइल जो है वो डोमिनेंट था ठीक है ना, तो जो रेप्टाइल्स थे उस टाइम पे कुछ थे मैमल्स लाइक ठीक है ना, कुछ रेप्टाइल्स थे मैमल्स लाइक ठीक है, या जैसे कुछ रेप्टाइल्स थे बर्ड्स लाइक ठीक है, तो अलग अलग, जैसे अगर हम क्लासेस की बात करें तो जो एक क्लास होता है जो टर्टल से बिलोंग करता है, एक होता है क्रोकोडील या जो क्रोकोडाइल से बिलोंग करता है, तो रेप्टाइल्स में हमें पता है कि ज्यादातर वो इंसेक्ट्स आते हैं जो टेरेस्ट्रियल होता है और जिनकी क्लासेस क्या होते हैं, जिनकी जो बॉडी पे अगर हम देखें तो स्किन पे स्केल जो है वो प्रेजेंट होता है ठीक है ना। तो जब ये परमियन ट्रायसिक ट्रांजिशन पीरियड था ना, उस टाइम पे क्या हुआ, ये जो रेप्टाइल्स थे वो बहुत डोमिनेंट थे, कुछ मैमल्स लाइक थे, कुछ बर्ड्स लाइक थे। अब ये जो मैमल्स लाइक था ना, इट वॉज वॉट, इट वॉज ए डोमिनेंट ठीक है ना रेप्टाइल ठीक है, ये जो रेप्टाइल था वो क्या था, मैमल्स लाइक, वो बहुत डोमिनेंट थे किस पीरियड में, इस पीरियड में ठीक है। तो ये जो एक्सटिंक्शन हुआ ना उस टाइम पे, ये तो मैमल्स, जो मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स था कि नहीं, ये मैमल्स लाइक रेप्टाइल जो है वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया ठीक है ना, वो एक्सटिंक्ट हो गया। जो रेप्टाइल्स कौन कौन से थे, मैमल्स लाइक थे ना, मैमल्स लाइक रेप्टाइल जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया ठीक है। अब वहां पे दूसरा क्या था, एक तो मैमल्स लाइक थे, दूसरा अगर हम दूसरा ग्रुप की बात करें तो बर्ड्स लाइक थे ठीक है ना, दूसरा जो था बर्ड्स लाइक रेप्टाइल्स ठीक है। अब ये जो बर्ड्स लाइक रेप्टाइल है, उस वजह से क्या हुआ, ये जो बर्ड्स लाइक रेप्टाइल है ये एक्सटिंक्ट हुआ, तो दिस बर्ड्स लाइक रेप्टाइल जो है इनको क्या मिला ठीक है, अब ये जगह जो है वैकेट हो गया, तो ये बर्ड्स लाइक रेप्टाइल है इनको ये जगह भी मिला ठीक है ना, ये हैबिटेट भी मिला, और दे गॉट ए चांस टू बिकम द एसेंडेंट ठीक है। अब इनको क्या मिला, दे गॉट द चांस टू बिकम एसेंडेंट ठीक है, तो इन्होंने रिप्रोडक्शन किया और अपने यंग मस जो है वो प्रोड्यूस की, तो अपने पॉपुलेशन को बढ़ाते चला गया ठीक है। तो एक टाइम था मैमल्स जो थे ये दे वर द एसेंडेंट ठीक है, बट इस एक्सटिंक्शन ने इनको क्या कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया ठीक है। एक्सटिंक्ट करने की वजह से क्या हुआ, ये जो बर्ड्स लाइक रेप्टाइल्स है दे बिकेम द एसेंडेंट्स एंड दे गिव बर्थ टू द डिसेंडेंट्स ठीक है, तो अपने एसेंडेंट्स बने और इन्हीं से जो बाकी पॉपुलेशन है वो अब बर्ड्स लाइक रेप्टाइल से ही बनेंगे ठीक है। तो ये था परमियन ट्रायसिक ट्रांजिशन की बात ठीक है ना। तो हम देखेंगे क्या इसके होने से, किसके, जो परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन है ना, इसके होने से क्या सिग्निफिकेंस रहा है ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस रहा है ठीक है, इवोल्यूशन पे, इन इवोल्यूशन व्हाट द परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन हैज प्लेड देयर रोल ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन है ना, इट एंडेड ठीक है ना, किसको, इसने खत्म कर दिया, किसको खत्म कर दिया, इट एंडेड द प्राइमरी डोमिनेंस ऑफ द प्राइमरी डोमिनेंस ऑफ द प्राइमरी डोमिनेंस ऑफ किसका, डोमिनेंस ऑफ मैमल लाइक ठीक है, जो मैमल लाइक क्या थे, मैमल लाइक रेप्टाइल्स ठीक है ना। अब जो मैमल लाइक रेप्टाइल्स है उनको क्या किया, इट एंडेड द प्राइमरी डोमिनेंस ठीक है, ये जो मैमल लाइक रेप्टाइल्स वो बहुत ज्यादा थे, तो इनकी क्या कर दी, इनकी डोमिनेंस को परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन ने क्या कर दिया खत्म कर दिया ठीक है ना, किस पे, ऑन लैंड पे ठीक है ना। ये रेप्टाइल्स कहां पे होता है, प्रेजेंट लैंड पे, तो इसने क्या किया, इसने जो कौन से मैमल लाइक ठीक है ना, जो मैमल लाइक रेप्टाइल्स थे
इसने एंड कर दिया, इट एंडेड द डोमिनेंस ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स ऑन लैंड। ठीक है, ये था पहला सिग्निफिकेंस किसका, प्राइमेरी परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट की। ठीक है, तो सेकंड अगर हम बात करते हैं, जो अब ये जो मैमल जो है वो खत्म हो गया, ठीक है ना, ये जो मैमल्स अभी तक यहाँ पे थे ये सारा क्या हो गया, ये देखो ये दीस आर द मैमल लाइक रेप्टाइल्स। ठीक है, ये जो मैमल लाइक रेप्टाइल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये जो है एक्सटिंक्शन की वजह से खत्म हो गए। ठीक है, अब इन्होंने जो वैकेटेड निकेज, अब ये जो स्पेसेस खत्म हो गए, ठीक है ना, ये जो स्पेसेस खाली हो गए, ठीक है, प्रोवाइडेड एन, अब ये देखो यहां पे मैमल लाइक रेप्टाइल्स थे और यहां पे क्या है, बर्ड लाइक रेप्टाइल्स। ठीक है ना, अब ये जो है वो डोमिनेंट है, कौन सा, ब्लैक वाला, ठीक है ना, ब्लैक वाला क्या है, डोमिनेंट। ठीक है ना, अब इसका क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हुआ, ये देखो ये सारा जो है खत्म हो गया। ठीक है, ये खत्म होने की वजह से ये जो स्पेस था, कौन सा, ये वाला जो ऑक्यूपाई किया था मैमल लाइक रेप्टाइल्स ने, ठीक है, वो इन रेप्टाइल्स, कौन सा, बर्ड लाइक रेप्टाइल्स है, उनके लिए क्या बोलता है, इट बिकम्स अवेलेबल फॉर दिस बर्ड लाइक रेप्टाइल्स। ठीक है, तो वी कैन से दैट ये इनके लिए अवेलेबल मिलता है बर्ड लाइक रेप्टाइल्स के लिए, एंड दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम द एसेंडेंट्स। ठीक है, और वो क्या बनता है, एसेंडेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना, सेकंड पॉइंट यही चीज हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेकंड सिग्निफिकेंस इज दैट, सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है, इट वैकेटेड, इसने क्या किया, वैकेट किया, किसको, इट वैकेटेड निकेस, ठीक है, प्रोवाइडेड, जो किसने प्रोवाइड किया था, इट वैकेटेड निकेस, ठीक है ना, प्रोवाइडेड एंड इट वैकेटेड निकेस, एंड देखो सबसे पहले तो उसने जगह को अवेलेबल बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद इसने क्या प्रोवाइड किया, एन अपॉर्चुनिटी फॉर, प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया, किसके लिए, अपॉर्चुनिटी किसके लिए, फॉर, अब इनको खत्म किया तो अपॉर्चुनिटी किसको मिला, फॉर आर्कियोसॉरस, ठीक है ना, ARCHO, आर्कोसॉरस, ठीक है, आर्को जो सॉरस है इनके लिए क्या मिला, ठीक है, टू बिकम एसेंडेंट, ठीक है, टू बिकम एसेंडेंट। देखिए अब ये जो इस एक्सटेंशन के परमियन ट्रायसिक एक्सटेंशन की वजह से क्या हुआ, जो निकेस था, जो हैबिटेट था, जो लिविंग प्लेसेस था, वो क्या हो गया, वैकेट हो गया, ठीक है ना, वो निकेस वैकेट हो गया, ठीक है, और क्या मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स जो है वो खत्म हो गया, तो अपॉर्चुनिटी किसको मिला, आर्कियोसॉरस, जो बर्ड लाइक रेप्टाइल्स थे उनको अपॉर्चुनिटी मिला, किसके लिए, टू बिकम एसेंडेंट, ठीक है ना, एसेंडेंट बनने के लिए। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस, दिस इज सेकंड एंड दिस इज द थर्ड सिग्निफिकेंस। ठीक है, थर्ड सिग्निफिकेंस क्या है परमियन ट्रायसिक का, तो इन सीज, देखो अब समंदर में क्या इंपैक्ट पड़ता है, किसमें, समंदर में, किसमें, समंदर में परमियन ट्रायसिक एक्सटेंशन के होने की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ता है, जो समंदर में, जो वाटर में प्रेजेंट क्या था, जो वाटर में, जो समंदर में क्या प्रेजेंट था, समंदर में जो सेसाइल एनिमल्स थे, कौन से, जो सेसाइल एनिमल्स, वो एनिमल्स, सेसाइल एनिमल्स हो गया, वो एनिमल जो which remains, which don't know, जो फ्री स्विमिंग नहीं हो, ठीक है ना, which remains attached to certain substrate, ठीक है, तो इन जो सेसाइल एनिमल्स हैं इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई, किसकी वजह से, इस एक्सटिंक्शन इवेंट की वजह से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना, इन सीज में क्या हुआ, इन सीज, ये देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ा है, इवोल्यूशनरी इम्पैक्ट, ठीक है ना, इन सीज द परसेंटेज ऑफ सेसाइल एनिमल्स, क्या, द परसेंटेज ऑफ सेसाइल एनिमल, जो सेसाइल एनिमल्स है, ठीक है, जो सेसाइल एनिमल्स है, परसेंटेज ऑफ सेसाइल एनिमल्स क्या हुआ, बड़ा कि कम हुआ, ड्रॉप हुआ, ठीक है ना, ड्रॉप, ठीक है ना, ड्रॉप्ड फ्रॉम, पहले कितना था, 67% था, ठीक है, टू 50%, ठीक है ना, 67 से 50% जो है इनकी पॉपुलेशन या परसेंटेज जो है वो पहुंच गई। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से दैट इन सीज, समंदर में जो परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट है उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, समंदर में
जो परसेंटेज अगर हम देखें किनका, सेसाइल एनिमल्स की अगर हम परसेंटेज देखें वो 67% से 50% पे पहुंच गया। ठीक है, किसकी वजह से? परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट की वजह से। तीन तीन चीजें था इन्होंने, परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट ने क्या किया, जो डोमिनेंट मैमल लाइक एनिमल्स था उनका जो पॉपुलेशन है वो खत्म कर दिया, ठीक है ना, लैंड पे। ठीक है, सेकंडली जो हैबिटेट थे जो इन्होंने मैमल लाइक रेप्टाइल्स ने जो ऑक्यूपाई किया था वो वैकेट किया। ठीक है, तो बाकी जो आर्कियोसोरस है, बर्ड लाइक रेप्टाइल्स है, उनको क्या मिला, अपॉर्चुनिटी टू बिकम असेंडेंट। ठीक है, सी में जो परसेंटेज ऑफ सेसाइल एनिमल्स है वो 67% से 50% पे पहुंच गया। ठीक है ना, किसकी वजह से? परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट की वजह से। ठीक है, तो इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्या है, अब इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस या इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ जो सेकंड इवेंट है। ठीक है, ये पहला इवेंट था, अब देखेंगे इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ, अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट है हमारे पास इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ, हम क्या देखेंगे, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रायसिक जुरासिक इवेंट। ठीक है, ट्रायसिक जुरासिक, ठीक है ना, जुरासिक एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो ये जो ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट था इसका क्या रोल है, ठीक है ना, इसका एवोल्यूशन में क्या रोल है, ठीक है, किसका, ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन का। ठीक है, तो वी कैन से दैट जब ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन हुआ उस टाइम पे जो रेप्टाइल्स थे, ठीक है ना, अब ये जो रेप्टाइल्स है इनकी पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल कम हो गई, ठीक है ना, बिल्कुल कम हो गई। तो इसके भी दो तीन इम्पैक्ट से अगर हम देखेंगे, मेनली दो इम्पैक्ट है, ठीक है ना। पहला इम्पैक्ट क्या है, किसका, परमियन, ये जो ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन का, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन की, तो ड्यू टू दिस एक्सटिंक्शन हम ये कह सकते हैं, ड्यू टू दिस एक्सटिंक्शन, इस एक्सटिंक्शन की वजह से क्या हुआ, ड्यू टू दिस एक्सटिंक्शन जो मोस्ट ऑफ द नॉन डायनासोरन आर्कियोसोरस था, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द नॉन डायनासोरन, मोस्ट ऑफ द नॉन डायनासोरस आर्कियोसोरस, ठीक है ना, जो आर्कियोसोरस था, ठीक है, जो बर्ड लाइक रेप्टाइल्स है, ठीक है ना, लेकिन बर्ड नॉन डायनासोरन आर्कियोसोरस, जिसको हम बर्ड लाइक रेप्टाइल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो ड्यू टू एक्सटिंक्शन, ये देखिए अब ट्रायसिक जुरासिक में आपको ये चीज याद रखना है, थेरापसिड इस टाइम पे क्या था, जो थेरापसिड्स थे, क्या है ना, थेरापसिड्स ही है दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, थेरापसिड्स जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, दे वेर डोमिनेंट। ठीक है, तो इस एक्सटिंक्शन की वजह से मोस्ट ऑफ द थेरापसिड जो है वो क्या हुआ, ठीक है, ड्यू टू दिस एक्सटिंक्शन, ड्यू टू दिस एक्सटिंक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द थेरापसिड्स। ठीक है, अब ये देखिए इस यहां पे देखिए इस टाइम में ट्रायसिक जुरासिक इवेंट में थेरापसिड जो है वो क्या था, डोमिनेंट था, ठीक है, डोमिनेंट था, तो डोमिनेंट तो था बट क्या हुआ, अब ये एक्सटिंक्शन हुआ, ठीक है ना, अब जब ये इवेंट हुआ किसका, एक्सटिंक्शन इवेंट का, कौन सा, ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ, तो उस टाइम पे जो
जो ये थेरापसिड्स था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, और जो डायप्सिड्स थे वो क्या हो गया, डोमिनेट किया, ठीक है ना। तो ये जो है थेरापसिड्स, इन ये जो डोमिनेंट थे, अब ये एक्सटिंग हो गया, एक्सटिंग हुआ, और वहां पे क्या आ गया, डायप्सिड जो है वो क्या हुआ, डोमिनेंट होना शुरू हुआ। फिर ये जो है वो डोमिनेंट हुआ, किसकी वजह से, एक्सटिंक्शन की वजह से, ठीक है। तो इसी चीज को लिखेंगे, ड्यू टू द एक्सटिंक्शन ऑफ, देखो इस पीरियड में क्या था ज्यादा, थेरापसिड, ठीक है। ड्यू टू एक्सटिंक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द थेरेप, ठीक है, मोस्ट ऑफ द थेरापसिड्स, ये जो थेरापसिड्स है, ठीक है ना, जो थेरापसिड्स की इस पीरियड में क्या हुआ, ट्राइसिक जुरासिक में जो थेरापसिड्स था वो एक्सटिंग हो गया, ठीक है। तो इनके एक्सटिंग होने की वजह से क्या होता है, जो नॉन डायनासोरन क्या हुआ, द नॉन डायनासोरन डायप्सिड्स, जो डायप्सिड्स है, ठीक है ना, थेरापसिड से कौन सा आ गया, डायप्सिड, ठीक है ना, जो नॉन डायनासोरन डायप्सिड से वो क्या हुआ, डोमिनेटेड द मैरीन एनवायरमेंट, ठीक है, दे डोमिनेटेड द मैरीन एनवायरमेंट। ये देखिए पहला इंपैक्ट क्या पड़ा है, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, मैरीन एनवायरमेंट की, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, ड्यू टू दिस एक्सटिंक्शन, कौन सा, ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन की वजह से जो थेरापसिड्स थे, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द थेरापसिड्स, ठीक है, वो क्या हो गया, एक्सटिंग हुआ, थेरापसिड जो है एक्सटिंग हुआ, और डायप्सिड जो है वो, दीज डायप्सिड्स, ये वाले जो नॉन डायनेसोरन डायप्सिड्स है, इट डोमिनेटेड द मैरीन एनवायरमेंट, ठीक है। ये देखिए ये मैरीन एनवायरमेंट था, इस मैरीन एनवायरमेंट में क्या था, थेरापसिड जो है वो पहले डोमिनेंट थे, ठीक है, टी फॉर थेरापसिड्स, ये जो था डोमिनेंट था, ठीक है, लेकिन इनका क्या हुआ, एक्सटिंग हो गया, ठीक है ना, कोई कॉज था एक्सटिंक्शन का, ट्राइसिक जुरासिक का, उसकी वजह से ये एक्सटिंग हुआ, ठीक है। तो इस मैरीन एनवायरमेंट में ये जो थेरापसिड्स है वो एक्सटिंग हो गए, ठीक है, एक्सटिंग होने की वजह से जो डायप्सिड्स है, क्या, जो डायप्सिड्स है वो डोमिनेटेड द मैरीन एनवायरमेंट, ठीक है। तो डायप्सिड जो है वो क्या हो गया, इसने डोमिनेट कर ली, किसको, किसको, मैरीन एनवायरमेंट को, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रायसिक जुरासिक इवेंट, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड चीज क्या हुआ, जो ड्यू टू एक्सटिंक्शन, ड्यू टू दिस एक्सटिंक्शन, ठीक है, जो नॉन डायनेसोरन क्या है, नॉन डायनेसोरन डायप्सिड जो है वो डोमिनेट हुआ, ठीक है। ड्यू टू दिस क्या हुआ, सेकंड 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 पॉइंट, हम सेकंड सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो नॉन डायनेसोरन्स था, ठीक है, नॉन डायनेसोर्स था, या नॉन डायनेसोरन जो है वो क्या हुआ, नॉन डायनेसोर जो है जो कहां पे प्रेजेंट था, लैंड पे, ठीक है ना, ठीक है। ये देखो नॉन डायनेसोरन जो डायप्सिड था वो क्या हो गया, लैंड पे वो एक्सटिंग हो गया, ठीक है, इस इवेंट की वजह से, ठीक है ना, वो एक्सटिंग हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आता है, ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पे आ गया डायनासोर्स, ठीक है ना, क्या आ गया, डायनासोर्स, ठीक है ना, डायनासोर्स, इन्होंने क्या किया, डोमिनेट, ये क्या बन गया, डोमिनेंट किए बन गया, ठीक है ना, तो डायनासोर जो है वो डोमिनेंट बना, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट द नॉन डायनासोरन डायप्सिड जो है वो एक्सटिंग हो गया, ठीक है, नॉन डायनासोरन, ड्यू टू दिस एक्सटिंक्शन, इस एक्सटिंक्शन की वजह से क्या हो गया, हम किसके बारे में, ट्राइसिक जुरासिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्सटिंक्शन की वजह से सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे, ठीक है, ड्यू टू
दिस एक्सटिंक्शन इस एक्सटिंक्शन कौन सा ट्रायसिक जुरेसिक, ठीक है ना, इस एक्सटिंक्शन की वजह से क्या हुआ, ड्यू टू दिस एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्शन ऑफ नॉन डायनासोरन डायप्सिड्स, जो नॉन डायनासोरन डायप्सिड्स था उनकी एक्सटिंक्शन होने की वजह से क्या हुआ, आर्कियोसोरस, ठीक है ना, या डायप्सिड में लिखो आप आर्कियोसोरस लिखो, ठीक है, आर्कियोसोरस ऑन लैंड, लैंड पे क्या हुआ, लैंड पे जो आर्कियोसोरस था, ठीक है, उनका क्या हुआ, एक्सटिंक्शन हुआ, ठीक है, तो इस वजह से जब इनका एक्सटिंक्शन हुआ तो क्या क्या हो जाता है, इनकी एक्सटिंक्शन होने की वजह से द डायनासोर्स फ्लरिश एंड डोमिनेटेड द लैंड, ठीक है ना, तो डायनासोर जो है क्या था, द डायनासोर्स वो क्या हो गया, फ्लरिश हो गया, ठीक है ना, द डायनासोर्स फ्लरिश्ड एंड जो डायनासोर था वो फ्लरिश हो गया एंड डोमिनेटेड द लैंड, ठीक है, और क्या किया, डोमिनेटेड द लैंड, ठीक है, डोमिनेटेड द लैंड, उन्होंने डायनासोर ने क्या किया, लैंड को फिर डोमिनेट किया, ठीक है ना, लैंड को डोमिनेट किया ड्यू टू किस वजह से, ड्यू टू लिटिल कंपटीशन, क्योंकि उस टाइम पे लैंड पे क्या था, कंपटीशन जो था वो बहुत कम था, ठीक है, तो डायनासोर जो है इस ट्रायसिक पीरियड में एक्सटिंक्ट नॉन डायनासोर नॉन डायनासोरन आर्कियोसोरस जो था वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हुआ, ठीक है, जिस वजह से जो डायनासोर थे ना वो क्या हुआ, डायनासोर ये फ्लरिश करना शुरू किया और डोमिनेट हो गया ऑन द लैंड ड्यू टू लिटिल कंपटीशन की वजह से, ठीक है, सो दिस वॉज द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रायसिक जुरैसिक एक्सटिंक्शन, ठीक है, अब हम देखेंगे इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ विच इवेंट, क्रिटेशियस पैलोजिन, ठीक है ना, अब हम देखेंगे क्रिटेशियस पैलोजिन की क्या इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस था, ठीक है, क्रिटेशियस पैलियोजिन, ठीक है ना, क्रिटेशियस क्रिटेशियस पैलियोजिन, ठीक है ना, पैलियोजिन एक्सटिंक्शन, ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्रिटेशियस पैलियोजिन एक्सटिंक्शन की क्या इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इसी क्रिटेशियस पैलियोजिन को हम के टी से भी इसको क्या करते हैं, डिनोट करते थे, ठीक है, अर्लियर इट वॉज नोन एज के टी एक्सटिंक्शन, ठीक है, तो क्रिटेशियस पैलियोजिन एक्सटिंक्शन की अगर हम बात करें तो ठीक है, इट प्रोवाइडेड निकेस, हम ये कह सकते हैं ये जो क्रिटेशियस पैलियोजिन है ना, इस इवेंट के होने की वजह से दो चीजें हुआ, ठीक है, जो बर्ड्स था और मैमल्स था वो क्या हो गया, जो बर्ड्स था और मैमल्स था वो दे बिकेम डोमिनेंट, और या हम कह सकते हैं ये दोनों जो है वो क्या हो गया, फ्लरिश हुआ, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट था, थेरैपसिड डायनासोर था, कौन सा, थेरैपसिड डायनासोर जो है वो प्रेजेंट था, ठीक है, थेरैपसिड डायनासोर जो है वो प्रेजेंट था, ठीक है ना, थेरैपसिड डायनासोर जो है वो प्रेजेंट था, तो यही जो थेरैपसिड डायनासोर है, ठीक है, थेरैपसिड जो डायनासोर है इस इवेंट की वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो गई और ये जो थेरैपसिड डायनासोर है ना ये डाइवर्सिफाई हुआ, किसमें, इट डाइवर्सिफाइड इंटू बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है ना, बर्ड्स और मैमल्स में ये डाइवर्सिफाई हुआ, ठीक है, तो इस तरह की जो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है उनको हम बोलते हैं थेरैपसिड ऑर्गेनिज्म से बर्ड्स और एनिमल्स को बनना, दैट इज क्रिटेशियस इन पैलियोजिन, ठीक है, तो क्रिटेशियस पैलियोजिन में ये जो बर्ड्स और मैमल्स है इनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो यही चीज हम लिखते हैं इसी चीज को, ठीक है ना, दिस इज द थर्ड पॉइंट, ठीक है, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटेशियस पैलियोजिन एक्सटिंक्शन, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ क्रिटेशियस पैलियोजिन में, इस एक्सटिंक्शन कौन सा क्रिटेशियस पैलियोजिन, इट
प्रोवाइडेड निकेश फॉर, इसने क्या प्रोवाइड किया, निकेश, ठीक है ना, यानी लिविंग प्लेस, ठीक है ना, निकेश फॉर किसके लिए, इट प्रोवाइडेड निकेश फॉर द डिसेंडिंग, ठीक है ना, फॉर डिसेंडिंग ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है ना, फॉर इट प्रोवाइडेड निकेश फॉर डिसेंडिंग ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है ना, ये जो मैमल्स और बर्ड्स था, ठीक है ना, एंड बर्ड्स, ठीक है, इनकी जो डिसेंडेंट है उनके लिए इसने क्या प्रोवाइड किया, स्पेस प्रोवाइड किया, किसके लिए, डिसेंडिंग, फॉर द डिसेंडिंग ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स की जो डिसेंडिंग है उनके लिए निके और लिविंग प्लेस जो है वो प्रोवाइड किया, ठीक है ना, किन से, लेकिन किन से, फ्रॉम द थेरापसिड डायनासोर, ठीक है ना, किन से, फ्रॉम द थेरापसिड डायनासोर, ठीक है, थेरापसिड जो डायनासोर है इनसे क्या प्रोवाइड किया, बर्ड्स और मैमल्स को निकेज जो है वो प्रोवाइड किया, ठीक है, फॉलोड बाय देयर, और साथ में क्या किया, देखो आप, फॉलोड बाय देयर, देखो इनका क्या हुआ, अब फॉलोड बाय देयर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, इनकी डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ, ठीक है ना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बर्ड्स एंड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है ना, डाइवर्सिफिकेशन, और इनका क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन किया, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन की इनकी, ठीक है, जो बर्ड्स इनकी डाइवर्सिफिकेशन करने से क्या किया, डाइवर्सिफाई किया टू बिकम डोमिनेंट लैंड एनिमल्स, ठीक है, टू बिकम डाइवर्सिफिकेशन, टू बिकम डाइवर्स लैंड एनिमल, ठीक है ना, या डोमिनेंट लैंड एनिमल, तो क्या हो रहा है, कुछ समझ में आया कि नहीं, ये देखिए एक बार समझो, अब ये जो क्रिटेशियस पैलियोजीन इवेंट है, इट प्रोवाइडेड निके फॉर डिसेंडिंग ऑफ मैमल्स एंड बर्ड, जो मैमल्स एंड बर्ड था उनके लिए क्या प्रोवाइड किया, उनकी जो डिसेंडेंट है उनके लिए प्लेस जो है वो प्रोवाइड किया, फ्रॉम किन से, फ्रॉम द थेरापसिड डायनासोर से, ठीक है, ये जो थेरापसिड डायनासोर है, ठीक है ना, फॉलोड बाय देयर डाइवर्सिफिकेशन, और साथ में उनकी क्या किया, उनकी डाइवर्सिफिकेशन भी कराई टू बिकम डोमिनेंट लैंड एनिमल्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए लैंड एनिमल्स बनने के लिए, डोमिनेंट बनने के लिए इन्होंने क्या किया, डाइवर्सिफाई भी किया, ठीक है, देखिए पहले क्या था इस पीरियड में, थेरापसिड से, ठीक है, जो क्या था, बड़ा डोमिनेंट था, ठीक है, ये बड़ा डोमिनेंट था, ठीक है ना, अब ये जो थेरापसिड था वो डोमिनेंट था, और बाकी जो इनसे कुछ बर्ड्स और मैमल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट था, बर्ड्स, ठीक है ना, और मैमल जो है वो भी प्रेजेंट है, ठीक है, अब देखो अब हमारा कौन सा एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ, केटी और पेलियोजीन, ठीक है ना, क्रिटेशियस पेलियोजीन और केटी एक्सटिंक्शन, ठीक है, इसके होने की वजह से क्या हुआ, ये जो सारे थेरापसिड से इसको एक्सटिंग कराया, ठीक है, केटी एक्सटिंक्शन में, ठीक है, अब ये जो एक्सटिंग कराया, एक्सटिंग होने की वजह से ये जो निके है और द स्पेस, ठीक है ना, जहां पे ये रहते हैं, ये किसके लिए अवेलेबल बनाया, ठीक है, ये इनके लिए अवेलेबल बनाया, बी और किसके लिए, एम के लिए, बर्ड्स और मैमल्स के लिए, ठीक है, तो मैमल्स ने क्या की, अपने पॉपुलेशन जो है वो बढ़ा दी, ये लैंड पे बात कर रहा हूं, अर्थ पे, ठीक है, तो साथ साथ में जो बर्ड्स है उन्होंने भी अपने पॉपुलेशन बढ़ा दी, तो ये जो बर्ड्स है उन और मैमल्स है उनके लिए जो निके जो है वो प्रोवाइड किया, ठीक है, जिस वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्सिफाइड हुआ, ठीक है ना, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना, और सेकंड पॉइंट वी कैन से दे ससाइल एनिमल्स थे, कहां पे, जो वाटर में, ठीक है ना, जिसको हमने पिछले में बताया 65 से 50 पे पहुंच गया था, ठीक है, तो ये जो पैलियोजीन, क्रिटेशियस पैलियोजीन इवेंट है उसका जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज जो परसेंटेज ऑफ सेसाइल एनिमल्स, इसकी वजह से क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ सेसाइल एनिमल, जो सेसाइल एनिमल्स थे, ठीक है ना, उनका क्या हुआ, जो सेसाइल एनिमल्स है उनकी पॉपुलेशन जो है इन द सीज डिक्लाइन टू अबाउट 33%, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ सेसाइल एनिमल्स, ठीक है,
ठीक है, परसेंटेज ऑफ सेसाइल एनिमल्स इन द सी, किसकी बात कर रहे हैं हम, सी की, समंदर की, ठीक है, इट डिक्लाइन टू 30%, ठीक है ना, डिक्लाइन टू 30%, ठीक है ना, 30% पे ये क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटेशियस पेलियोजिन इवेंट टू प्लेस, ठीक है ना। इसके बाद एक और पॉइंट है, ठीक है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, ठीक है ना। सो दिस इज सफिशिएंट। और इसका जो फोर्थ एक पॉइंट है, दैट इज ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, वो मैं आपको नेक्स्ट में समझा दूंगा, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच।